आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इन द गिवन क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। तो ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू होती है वी बाय 2 ऑफ लेंथ ऑफ फंडामेंटल ऑर्गन पाइप, उसकी वैल्यू दे रखी है 300 हर्ट्ज और वी की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 330 डिवाइड बाय 2 इंटू L1 इक्वल्स टू 300, यानी L1 की जो वैल्यू निकलेगी होगी 330 बाय ट्वाइस इंटू 300। तो L1 की जो वैल्यू निकली वो ही 0.55 सेंटीमीटर। आगे जब क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन मैच कर रही है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसकी जो फर्स्ट ओवरटोन है वो फर्स्ट ओवर टोन जो है वो किसके बराबर होती है, थर्ड हार्मोनिक के। और थर्ड हार्मोनिक की जो वैल्यू होती है वो होती है 3V/4L। और जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी फर्स्ट ओवरटोन जो होती है वो किसके बराबर होती है, सेकेंड हार्मोनिक के, यानी 2V/2L। 2L2 है, सॉरी यहाँ पे ये L1 होगा और ये L2 होगा। तो ये दोनों मैच कर रही है, इसका मतलब दोनों इक्वल होगी। तो 3V/4L ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 2 ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। L1 इज द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, सो L ऑफ O जो हो गई वो 0.55 सेंटीमीटर हमने निकाली थी यहाँ से। तो जो L ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप है उसका रिलेशन क्या आ गया, 3/4 ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, यानी 3/4 इंटू 0.55, ये कितना आ गया 41.25 सेंटीमीटर। यानी L ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप 0.55 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 41.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर्स हो गए।